बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा पॉल हॉकिंस की मशहूर उपन्यास द गर्ल ऑन द ट्रेन पर इसी नाम से बनी हॉलीवुड फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और हाल ही में परिणीति के लुक का खुलासा किया गया है। शेयर किए गए इस फर्स्ट लुक में परिणीति चोपड़ा बाथरूम में बैठी नजर आ रही है और उसके सिर पर चोट के निशान है, जबकि दूसरी लुक में उनकी आंखों पर काजल फैला हुआ दिख रहा है। इस लुक के बारे में परिणीति चोपड़ा कहती हैं, द गर्ल ऑन द ट्रेन शूट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनुशासित होस्टल में हूँ। आमतौर पर मैं अपनी शूटिंग के बाद दूसरे काम करना पसंद करती हूँ, लेकिन इस फिल्म के दौरान मैं हर दिन सेट पर वापस लौटने का इंतजार करती हूँ। रिवू दास गुप्ता के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर परिणीति लंबे अरसे से उत्साहित रही है। फिल्म में परिणीति एक तलाकशुदा महिला की भूमिका में होंगी जो एक गुमशुदा व्यक्ति की जांच के काम में शामिल होती है। हॉलीवुड की इस फिल्म में ये रोल एमिली ब्लंट ने निभाया है। परिणीति की इस फिल्म की शूटिंग कुछ वक्त पहले लंदन में शुरू हुई थी। इस फिल्म में परिणीति संग आदिति राव हेदरी, कीर्ति कुल्हारी और अविनाश तिवारी नजर आएंगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं है। बॉलीवुड डेस्क, द अर्थ न्यूज।